नमस्कार, मैं हूं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे डुमराव विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर ली है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे डुमराव विधानसभा क्षेत्र की। डुमराव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण साल 1952 में हुआ था, जो बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डुमराव विधानसभा सीट पर एनडीए की तरफ से अंजुम आरा को उम्मीदवार बनाया गया था, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से अजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। डुमराव विधानसभा में चल रही वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के बारे में अगर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देख लें, तो आइए हम बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव की। साल 2015 में इस सीट पर जदयू और बीएलएसपी के साथ मुकाबला था। जदयू के टिकट से ददन यादव उम्मीदवार थे, जिन्हें 81,081 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं उनके निकटतम उम्मीदवार बीएलएसपी के टिकट से चुनावी मैदान में थे राम बिहारी सिंह को 50,742 वोट मिले थे। आंकड़ों के अंतर को देखा जाए तो बिहारी सिंह कुल 30,339 वोट से चुनाव हार गए थे। अब बात साल 2010 की करें तो 2010 के चुनाव को देखें तो इस साल यहां जदयू से डॉक्टर दाऊद अली और राजद से सुनील कुमार के बीच मुकाबला रहा था। दाऊद अली को 42,538 वोट मिले थे, वहीं सुनील कुमार को 22,692 वोट प्राप्त हुआ था और वे कुल 19,846 वोट से पीछे रह गए थे। अब बात करते हैं साल 2005 की। इस साल बिहार में दो बार चुनाव हुए थे। इन दोनों ही चुनाव में ददन पहलवान की ही जीत हुई थी। ददन सिंह फरवरी में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं अक्टूबर में हुए चुनाव में वे AJVD पार्टी के उम्मीदवार चुने गए थे। 2005 विधानसभा चुनाव में ददन पहलवान की जीत हुई थी। अब हम साल 2000 में हुए चुनाव को देखें तो इस साल यहां से ददन सिंह का ही दबदबा रहा था। इस चुनावी साल में वे निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे और प्रतिद्वंदी पार्टी को शिकस्त दे दी थी। साल 1995 और 1990 को अगर हम देखें तो इस दोनों चुनावी साल में जनता दल विजेता रही थी। जनता दल के टिकट से बसंत सिंह विधायक चुने गए थे। विकास कार्यों की बात करें तो विकास क्षेत्र में काफी सारे काम हुए हैं, जिसमें सिविल कोर्ट की स्थापना की गई है, कृषि कॉलेज का भी निर्माण कराया गया है, शहीदों की शहादत दिवस को राजकीय समारोह किए जाने लगे हैं, बेहतर सड़क की व्यवस्था की गई है। पेयजल और बिजली के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें निजात मिल चुका है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों की प्रबल मांग रही है कि नई नहरों का विकास करवाया जाए, क्षेत्र में अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा किया जाए, कुछ क्षेत्र जिसमें जीर्णोद्धार की जरूरत है उन्हें करवाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पिछले साल के समीकरण से अलग इस बार का समीकरण है। इस साल विधानसभा चुनाव में कई अलग अलग गठबंधन बने हैं। इस बार मुख्य रूप से जो लड़ाई है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। डुमराव सीट जदयू के खाते में चली गई है। इस बार जदयू ने अपने प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन में यह सीट माले के खाते में चली गई है। इस सीट पर माले ने अजीत सिंह को टिकट दिया है। जदयू ने इस बार ददन पहलवान का टिकट काट दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 2018 में जब नीतीश कुमार समीक्षा यात्रा के दौरान प्रदेश में घूम रहे थे तो उसी समय उनके इलाके में नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थरबाजी की गई थी। बताया जा रहा है कि यह भी एक कारण हो सकता है कि जिसके चलते उन्होंने इस बार डुमराव सीट से टिकट नहीं दिया है। जदयू से टिकट नहीं मिलने के कारण विधायक ददन पहलवान ने जदयू से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि डुमराव सीट पर ददन पहलवान का वर्चस्व रहा है। वो इस सीट पर 2000 में चुनाव जीते आए हैं और उन्होंने साल 2000 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी जीता था और उस समय उन्होंने राजद की सरकार भी बचाई थी। इसके लिए राजद ने उन्हें इनाम के रूप में मंत्रिमंडल में जगह दी थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये है कि जनता इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करती है या फिर अपने पुराने नेता पर एक बार फिर से भरोसा कर उन्हें वोट करती है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।